Okay, so we were at the last theoretical topic of this chapter, that is electromagnetic induction, the last theoretical part, that was transformer. So we were studying transformers basically. So what I'll do is I'll just copy and paste from last session this particular diagram, because we are going to need it. तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। गुड इनफ, राइट। तो आई टोल्ड यू व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर। तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ट्रांसफॉर्मर मतलब इट इज बेसिकली एक आयरन का कोर होता है, उसके दो अपोजिट साइड्स पे आप वाइंडिंग लगाते हो। एक को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, जिस पे आप इनपुट सप्लाई दोगे, मतलब जिस पे आप सोर्स कनेक्ट करोगे। सोर्स मतलब यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके घर में प्लग पॉइंट्स होते हैं, आप उसको वहां लगाओगे तो वो इनपुट कॉइल है, क्योंकि वहां से इनपुट वोल्टेज मिल रहा है। दूसरा कॉइल है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल होता है लोड। लोड मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो वहां पे लगाएंगे, राइट। तो बेसिकली ये जाता है आपका, दिस साइड गोज इनटू दिस प्लग और दिस साइड इज बेसिकली सम इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आपके चार्जर्स हो गए, व्हाटएवर इट इज। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली यूज इट। अब जब भी करंट इन द प्राइमरी, अगर प्राइमरी में करंट है तो फ्लक्स है, बिकॉज करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है वाया दिस आयन कोर। तो आयन कोर क्या करता है, आयन कोर प्राइमरी के फ्लक्स को सेकेंडरी के साथ लिंक करने का काम करता है, एसोसिएट करने का काम करता है, उसको एक पाथ देता है। देन एज सून एज करंट इन द प्राइमरी चेंजेस, अभी चेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैं करंट की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, राइट, या फिर और यू कैन एक्चुअली हैव ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, यू नो व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, तो वैल्यू रिमेन सेम बट डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, राइट, गुड। तो इन दिस केस करंट कैन बी चेंज इन टू डिफरेंट वेज, या तो ऑल्टरनेटिंग करंट है या फिर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, गुड। लेट अस से प्राइमरी में NP number of turns है and secondary में NS number of turns है, just a minute. So NP are number of turns in the primary, NS are number of turns in the secondary. अगर हर एक turn के साथ flux अगर phi associated है, तो total flux associated with the primary coil will be NP into phi. And total flux associated with the secondary will be NS into phi. Okay? So, जैसे ही current change होगा, EMF induce होगा, मतलब आपको पता है कि induced EMF is given by d phi p by dt with a negative sign, Lenz law. So, primary में भी EMF induce होगा और secondary में भी EMF induce होगा, right? That is equal to minus d phi S by dt. Okay, so you will have EP is equal to minus d dt of phi p, that is NP phi, and ES is equal to minus d dt of NS phi. So you will have EP is equal to minus NP d phi by dt,
एंड ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे यू गेट ई एस बाई ई पी एस एन एस बाई एन पी। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और ये जो रेशो है तो ये टोटल कंप्लीट इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और ये जो रेशो है रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशो। बेसिकली टर्न्स या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशो बोलते हैं इसको। नाउ हम इसको दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। समटाइम्स हमारा जो सप्लाई है 220 वोल्ट का जो सप्लाई आता है 220 240 जो भी होगा, समटाइम्स टू रन एन इंस्ट्रूमेंट हमको सप्लाई ज्यादा चाहिए। वी वांट टू हैव 400 वोल्ट्स। तो इन दैट केस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। मतलब एन एस अपॉन एन पी इज ग्रेटर देन 1 which implies ES upon EP greater than 1, which means induced EMF in secondary is greater than primary. तो इसको बोलते हैं step up, क्योंकि input voltage कम था और output voltage ज्यादा है तो इसको बोलते हैं step up, correct? But यहां पे voltage तो step up हो गया लेकिन ऑन द एक्सपेंस ऑफ करंट। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, अगर मैं पावर की बात करता हूं तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की रियल ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल आता है। इनपुट पावर मतलब V into I is power, तो EP into IP is power and ES into IS is output power. तो from here you can say that ES by EP is equal to IP by IS. मतलब ये equation को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं IP by IS। मतलब अगर secondary में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो सेकेंडरी में ईएमएफ रिड्यूस ज्यादा है तो स्टेप अप हो गया। क्या स्टेप अप हुआ? वोल्टेज स्टेप अप हुआ बट करंट कम हो गया। तो करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन करंट इन द प्राइमरी। इसको बोलते हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन में क्या होता है? स्टेप डाउन में कुछ नहीं, जस्ट दैट ये उल्टा हो जाता है। Number of turns in the secondary is basically less than number of turns in the primary. Okay, मतलब NS by NP is less than 1. मतलब ES by EP is less than 1. मतलब ES is less than EP. मतलब secondary का जो induced EMF है primary से कम है। मतलब step down हो गया। स्टेप डाउन हो गया क्योंकि अगर इनपुट में 240 वोल्ट्स था तो आउटपुट में 100 वोल्ट मिल रहा है, 120 वोल्ट मिल रहा है, तो करंट बढ़ जाता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वी हैव सीन दिस टू केसेस यस्टरडे आल्सो एंड टुडे आल्सो। सो नाउ इट इज आवर जॉब टू मेक नोट्स ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार। तो लेट्स मेक नोट्स ऑफ इट। सिंपल है ये। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है वो देख लेंगे। सो अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द वोल्टेज of alternating current
फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू, फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू, और वाइस वर्सा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया लो टू हाई या हाई टू लो करने के लिए वो यूज होता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, देन इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस म्यूचुअल इंडक्टेंस है, राइट? सो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देन एक बार आपने ट्रांसफॉर्मर क्या है वो बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, तो देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग थ्योरी। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंजेस एंड EMF is induced in the neighboring coil, is induced, अभी ऐसा बोलेंगे is induced in the same coil as well as in the neighboring coil, क्योंकि दोनों चीजें होगी यहाँ पे, in the same coil as well as the neighboring coil. Okay. In transformer, there are two coils, primary and secondary. We already know that, insulated from each other, and it is wounded on a soft iron core. So, in a transformer, there are two coils. Coils, primary P and secondary S, and secondary coil S, insulated from each other, and wound on a soft iron core, as shown in figure. All right, then primary coil ko bolte ho input, or सेकेंडरी को बोलते हैं आउटपुट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर कॉल्ड एज इनपुट एंड आउटपुट कॉइल्स रिस्पेक्टिवली, एंड आउटपुट कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। Okay, so when you apply an alternating current to the primary, the current through the coil changes, क्योंकि आपको पता है अभी alternating current का detail next chapter में है, okay, but for the time being आपको ये पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको, that you should be knowing also, alternating current में क्या होता है, that current changes with time in the form of a sinusoidal wave. साइन वेव होता है वो, ऐसा क्यों? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट? सिंपल है, जब मैं एक कंडक्टर को एक बैटरी लगा रहा हूं, दिस इज डायरेक्ट सोर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी,
But instead, if I am applying a source of alternating current, alternating EMF, तो इसमें क्या होता है कि इसमें continuously variations होते हैं. अगर ये टर्मिनल नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. तो टर्मिनल्स दे आर स्विचिंग, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस. मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश करता है, वापस पीछे आता है, फिर आगे जाने की कोशिश करता है, वापस पीछे आता है. राइट, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर मैंने डायरेक्ट सोर्स दिया होता तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाता. अगर मैंने डायरेक्ट सोर्स दिया होता तो इसमें क्या होता है, हमको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है फार अवे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स विल सफर. इलेक्ट्रॉन विल सफर नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब देयर इज रेजिस्टेंस. दैट कोलिजन विल लीड टू फ्रिक्शन एंड हीट, सो एनर्जी इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड. इसको आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं. व्हाट इज अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग, उसको आप कोलिजन्स कम करवाओ. कैसे कम करवाएंगे? अल्टरनेटिंग लगा के, टुक टुक, गया वापस आया, गया वापस आया. तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सेक्शन बाय सेक्शन ट्रांसफर हो रही है. हमारा पर्पस तो वही होता है ना कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना है. जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां लेके ही जाएगा, है ना. मुझे अगर एक चीज एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचानी है, या तो मैं लेके जाता हूँ, या तो मैं मेरे नेबर को देता हूँ, फिर वो अपने नेबर को देता है, फिर वो अपने नेबर को देता है. अल्टीमेट एम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीज को पहुंचाना. तो ऑल्टरनेटिंग करंट से एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो, पहुंच ही रहा है. सो दैट इज व्हाई नॉर्मली ऑल्टरनेटिंग सोर्सेस आर यूज्ड. तो ये ज्यादा डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. फॉर द टाइमिंग दिस इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. तो when an AC voltage, when an AC voltage is applied to the primary coil, the current through the coil changes sinusoidally. Matlab it is a sine wave basically, right? अगर करंट वेरी हो रहा है तो फ्लक्स भी वेरी होगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा. सो कॉजिंग, ये जो चेंज इन करंट है, इट कॉजेस सिमिलर चेंजेस, मतलब साइनसोइडल वेरिएशन, सिमिलर चेंजेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, सिमिलर चेंजेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. Linked with the coil or through the core. Because this particular flux is linked with both the coils, you know, so there will be EMF induced in each coil. So since this flux is linked with both the coils, and EMF will be induced in each coil, and EMF will be induced in each coil. ओके, अब
आपको पता है द फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. ओके सो वो हम डायरेक्टली लिख देंगे, वी विल नॉट राइट अलॉट, वी विल से लेट फाई बी द फ्लक्स लिंक्ड विद each turn with each turn np be the number of turns in the primary coil ns be the number of turns in the secondary coil okay therefore you can say np phi is the flux linked with primary ns phi is the flux linked with secondary right. Therefore the EMFs induced in the primary and the secondary are given by are given by so EP is equal to minus d phi p by dt. So I'll call this as phi p, that is better thing, and I'll call this as phi s. So that is equal to minus d dt of np phi similarly you can write down for es minus d phi s by dt तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एन एस फाई एंड एज यू नो एन पी एंड एन एस आर कॉन्स्टेंट्स तो आप लिख सकते हो ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी एंड ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी. तो फिर आप इसको डिवाइड कर लो, इजी है. अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा ई एस बाई ई पी. देयरफॉर ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी क्योंकि डी फाई बाई डी टी कैंसल आउट सो यू गेट दिस. ओके सो इक्वेशन नंबर वन. सो इक्वेशन वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसफार्मर इक्वेशन. Equation 1 is called as equation for transformer. The ratio NS by NP is called as transformer or turn ratio. Good. जैसे मैंने आपको बताया था for an ideal transformer you have
इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, देयरफॉर यू हैव हियर इनपुट इक्वल टू आउटपुट, मतलब ईपी आईपी इक्वल टू ESIS. Therefore, you have this as, in short, EP by ES by EP, ES by EP equal to IP by IS. And therefore, from equation number 1 and 2, you get, so, therefore, from 1 and 2, we have, you can write it as an S by NP equal to ES by EP equal to IP by IS, equation number 3. Okay, अब आपको सिर्फ लास्ट इंफॉर्मेशन दैट यू आर सपोज टू गिव इज अबाउट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. So we'll split this into cases. Case 1. And as you know, case 1 is NS greater than NP. So when NS is greater than NP. So aap likh sakte hain yahan pe. Right? So when NS is greater than NP, NP, then ES is greater than EP, right? Correct? So bolte hain step up, therefore voltage in the secondary is greater than primary, jisko bolte hain, this is called as step up transformer, step up transformer. Here IS is less than IP. Okay, so aisa hai. Or similarly what you can have is, let me make some space. Similarly, आप step down transformer की भी बात कर सकते हो. Okay. Case 2. So, case 2, you can have number of turns in secondary less than primary. So sirf conditions jo hai wo ulte ho jati hai. That's it, and that's it here as well. So you will have current in the secondary greater than primary. Done. This is called as step down transformer. Step down transformer. Done. Theory part is done. Let's start with numericals. So, a coil consists of 400 turns of wire. N equal to 400 बोला है मतलब. Each turn is a square of side 20 centimeter. A uniform
magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on. तो कॉइल से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जाने वाला है, मतलब इट इज सिंपल. सो यू हैव अ स्क्वायर प्लेट, साइड इसका 20 सेंटीमीटर है ईच, साइड इज 20 सेंटीमीटर ऐसा है, राइट. इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, सो समथिंग लाइक दिस. तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द कॉइल. ओके गुड. Right. If the field changes linearly from 0 to 0.50 Tesla, 0.50 Tesla in 0.8 seconds, what is the magnitude of EMF induced in the coil while the field is changing? So diagram, it's not required really. I just showed this to explain you. You don't really need this. So this is an easy question. Why it is easy question? Because कुछ भी नहीं है यहाँ पे. क्या गिवन है हमको? We have been given what? We have been said that initial magnetic field 0 है, final magnetic field 0.5 Tesla है, और ये होने के लिए time delta t या dt जो लगा है ये है 0.8 second. मतलब यहाँ से आप लोगों को basically you will be finding out what is delta B by delta T. आपको delta B by delta T मिल जाएगा. तो delta B by delta T, B final minus B initial upon delta T. तो B final 0.5 minus 0 by 0.8, मतलब 5 by 8 Tesla per second, ये आपको मिल गया delta B by delta T. फिर आपको बोला है number of turns in the coil are 400, side दिया है square coil का, तो area मिल जाएगा 20 centimeter, 20 into 20, 400 centimeter square, मतलब meter में करोगे तो 10 power minus 4, तो 4 into 10 power minus 2 meter square ये आपका area of the coil है. Why I am doing this? हमको क्या पूछा है? We are supposed to find out what? We are supposed to find out, find magnitude of EMF induced, मतलब E find करना है हमको. और we already know formula for E is, तो हम जानते ही है formula for E. E is equal to d phi by dt, right? और हमको पता है phi is equal to B bar dot A bar, मतलब इट इज जस्ट बी इंटू ए इन शॉर्ट. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ए बार एरिया में एंगल सेम है. मैंने इसलिए डायग्राम ड्रॉ की थी, अगर याद होगा तो एरिया का डायरेक्शन कभी भी उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाला जाता है, तो वो सेम है, तो बी इंटू ए है बेसिकली, करेक्ट. बट टोटल फ्लक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसके लिए, right? So that's why. Then easy. E is equal to d phi by dt. Phi is nba, number of turns constant, a constant, because area is, the coil will be constant. So n or a constant, db by dt, or db by dt matlab delta b by delta t humne find karke rakha hai. So we have already found this out, हमको already पता है db by dt कितना है. So we know this db by dt is equal to what? Number of turns 400, area 4 into 10 power minus 2, and db by dt is again 5 by 8. तो ये आपका आएगा 16, 4 into 4, 16, 0, 2, 2 0 और 8 10 power minus 2 गया, by 8 into 5. वनजा एंड टूजा, तो E is equal to 10 volt, so induced EMF is 10 volt in this case. So question was extremely simple. आपको सिर्फ अच्छे से ये चीज समझनी है कि number of turns से multiply करो flux को, flux B bar into A bar, B A cos theta,
आता है, लेकिन यहाँ पे एंगल जीरो है तो कॉस जीरो वन है. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो. एंड यू कैन फाइंड आउट टी बाई सिंपली डी फाई बाई डी टी एंड दैट्स इट, डन खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो अ लॉन्ग सोलेनोइड एस एज शोन इन द फिगर हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करंट आई ऑफ 1.4 एम्पियर. द डायमीटर डी ऑफ द सोलेनोइड इज 3 सेंटीमीटर. अ कॉइल सी having 100 turns and of diameter 2 cm is kept at the center of the solenoid. The current in the solenoid is decreased steadily to zero in 20 milliseconds. Calculate the magnitude of EMF induced in the coil C when the current in the solenoid is changing. So, aisa hai ki aapke paas is configuration mein ek solenoid hai. सोलेनोइड से करंट चेंज हो रहा है, राइट? ओके, इनिशियल करंट था 1.4. सोलेनोइड में 200 टर्न्स है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है. सोलेनोइड के सेंटर पे एक कॉइल रखा है सी, जिसमें 100 टर्न्स है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. 1.4 से जीरो करंट कर दिया 20 मिलीसेकंड में, मतलब करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. पर ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस हुआ वो देखना है आपको. ईएमएफ इंड्यूस इन द, यू कैन से इन द कॉइल सी एट द सेंटर, ये देखना है. व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ द सोलेनोइड. तो एरिया ऑफ सोलेनोइड क्यों नहीं करेंगे समझेगा आपको. Area of solenoid, that is pi r square. R is diameter, so pi capital R बोलता हूँ मैं. D by 2 का square. Diameter 3 centimeter, मतलब 310 ^-2 meter, उसका half, 1.510 ^-2 meter का square. तो ये आप जब area निकालोगे तो this will, after doing all the calculations, it will turn out to be, मैं calculations नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बता दिया पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 बाई 2 1.5, 1.5 इंटू 10 ^-2 उसका स्क्वायर 2.25 इंटू पाई 3.14 इंटू 10 ^-4, मतलब ये आपका इन शॉर्ट आएगा 7.065 इंटू 10 ^-4 मीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया ऑफ सोलेनोइड, राइट? अभी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 200, राइट? और आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया ही है, तो स्मॉल एन इज बेसिकली 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर है. टर्न्स पर सेंटीमीटर है, मुझे देखना है पर मीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 200 अपॉन 1 सेंटीमीटर इज 10 ^-2 मीटर, राइट? तो ये सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा टर्न्स पर मीटर, मतलब 2 इंटू 10 ^4 टर्न्स पर मीटर है इस सोलेनोइड में. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर मिल गया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है. क्यों ऐसा निकालना है? देखो वे जो कॉइल सी था वो कहाँ रखा हुआ है? वो सोलेनोइड के सेंटर में रखा हुआ है. तो सोलेनोइड के सेंटर में फ्लक्स कितना होगा यह निकालना है. तो नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए. क्यों चाहिए बताता हूं मैं आपको. वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड इज, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड इज B is equal to mu zero ni. इसलिए सब किया हमने ये, right? That is why we did all this.
ओके, लेकिन फिर हमको इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, राइट, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली करंट था, बाद में करंट जीरो कर दिया, तो क्या कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, नथिंग, सो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड भी है म्यू जीरो, म्यू जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 4π × 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁴, करंट 1.4। तो आपको इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अगर मिल जाता है तो आपको इनिशियल फ्लक्स मिल जाएगा, देयरफॉर इनिशियल फ्लक्स इज, इनिशियल फ्लक्स इज phi I, एंड यू नो हाउ टू फाइंड phi I इज b इंटू a। अब समझेगा कि b इनिशियल इंटू a क्यों निकाला था, तो b इनिशियल है 4π × 10⁻⁷ इंटू 2. मैं मतलब सॉल्व कर लेता हूँ इसको, आई विल जस्ट ट्राई इट लाइक दिस, 1.4 × 2 2.8 2.8 4π 4π × 2.8 × 10⁻³ दिस इज इनिशियल फ्लक्स। ऑफकोर्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये सब, दैट इज फाइन, सो इनिशियल फ्लक्स आई कैन जस्ट गेट इट एज 2.485 × 10⁵ वेबर, ओके, ये -3 है, तो इनिशियल फ्लक्स मिल गया। अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो आपको बेसिकली d5/dt निकालना है, राइट, करेक्ट, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल सी इज गिवन बाय, कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल सी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, करेक्ट, गुड, देन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल सी इज 100, d5/dt इज, यू कैन राइट डाउन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम डेल्टा टी, या फिर dt। फाइनल फ्लक्स तो जीरो ही होगा क्योंकि करंट ही जीरो कर दिया, तो फ्लक्स जीरो, और इनिशियल फ्लक्स अभी अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, वी जस्ट फाउंड आउट इनिशियल फ्लक्स 2.485 × 10⁵⁵ नेगेटिव साइन क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस में नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन हियर। डीटी कितने टाइम में करंट जीरो हुआ, 20 मिलीसेकंड्स में, तो डिवाइडेड बाय 20 मिलीसेकंड्स, 20 × 10⁻³, राइट, तो ये सॉल्व करेंगे, इजी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10⁻² और 10⁻⁵, तो 2.485 × 10³ अपॉन 2 × 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट E इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, यू विल बी गेटिंग दिस एज 1.243 × 10⁻¹, क्योंकि ये 1.10⁻¹ वोल्ट, मतलब आपको ये मिल जाएगा 12.43 वोल्ट आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल सी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल सी की बात कर रहे थे हम लोग। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं, इजी है। तो ऐसी बात है कि सोलेनोइड में से करंट चेंज हो रहा है, और आपको पता है कि सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू जीरो एन आई, ये हमने 2-3 चैप्टर पहले सीखा था, म्यू जीरो एन आई, है ना, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जो है हमने निकाल लिया म्यू जीरो एन आई से, इनटू एरिया करूंगा तो इनिशियल फ्लक्स मिलेगा, है ना, इनिशियल फ्लक्स एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, राइट, ओके, देन
ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय डीटी, लेकिन किसमें ईएमएफ इंड्यूस बोला निकालने के लिए, कॉइल सी में जो सेंटर पे एक्सिस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के होंगे ना कि सोलेनोइड के। डिवाइड बाय डीटी कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डीटी, फाइनल फ्लक्स तो जीरो है क्योंकि करंट जीरो हो गया, करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो, क्योंकि फ्लक्स इज बी इंटू ए बट बी इज म्यू जीरो एन आई, करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो। So that's it, just value substitute key and we have found out what is EMF induced in the coil C. Right? Good. So we'll stop here and we'll continue with next questions in the next session.